केजरीवाल नाल जुड़ी हुई खबर है। दस दिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट के पेशी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही राउस एवन्यू अदालत के पेश हुए ने केजरीवाल। राउस एवन्यू कोर्ट के ईडी की पटीशन से सुनवाई हुई। 16 मार्च में मुड़ कोर्ट के इस पूरे मसले से अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई के दौरान पेश होंगे। तो अगली सुनवाई सर 16 मार्च 16 मार्च को है और मेरे को ये केजरीवाल जी ने कहा है कि उस डेट पर वो पेश होंगे। तो उस दिन सर जमानत भी लेनी होगी। जी जमानत भी लेनी होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्लीज सर, सर कर तो रहे हैं सुशील जी हैं। एक बार मुड़ तो दस दिए कि आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही राउस एवेन्यू के कोर्ट के अरविंद केजरीवाल पेश हुए ने। ईडी की पटीशन से सुनवाई हुई सी 16 मार्च को मुड़ अगली सुनवाई पूरे मसले तक। राजू जी ने भी इस बात को अपोज नहीं किया और कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको एग्जम्पशन दे दी जाए और 16 मार्च की अब 10:15 बजे की डेट लगी है, उस दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत उनकी होनी चाहिए। सर, व्हाट विल हैपन? एक बार मुड़ तो दस दिए कि यह वड्डी खबर है। इस वेले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही राउस एवेन्यू कोर्ट के आज पेश हुए अरविंद केजरीवाल। ईडी की पटीशन से सुनवाई हुई सी पूरे मसले से। अगली सुनवाई 16 मार्च में कोर्ट के होगी। अगली सुनवाई के दौरान पेश होंगे सीएम केजरीवाल। शराब घोटाले के मसले के नाल जुड़िया होया पूरा मसला है। तो ईडी के वालों समन भेजा गया सी। हालांकि अरविंद केजरीवाल समन भेजने के बावजूद जेड़े पेश नहीं हुए सी। तो इस तो पहला अरविंद केजरीवाल 18 जनवरी 2 नवंबर 21 दिसंबर 3 जनवरी ईडी के सामने पेश होने के जड़े हुक्म होए पर पेश नहीं होए। तो 17 फरवरी में एक बार मुड़ तो उन्होंने जोड़ा समन भेजा गया से पेश होने लिए किया गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही राउस एवेन्यू अदालत के अब पेश होए ने। 16 मार्च में मुड़ कोर्ट के इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है। के सामने ये दलील रखी कि बजट सत्र है आज, उन्हें जो विश्वास मत प्रस्ताव है उस पर चर्चा भी करनी है, व्यस्तता ज़्यादा है, यही वजह है कि वो आज व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हो पाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हुए और 16 मार्च को वो कोर्ट के सामने पेश होंगे अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 19 फरवरी को उन्हें ईडी के सामने पेश होना है और जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें मोहलत दी, बजट सत्र चल रहा है, तो ऐसे में क्या वो छठे समन पर पेश होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो उन्हें लगभग 1 महीने का वक्त दिया गया है लेकिन ईडी की तरफ से नहीं दिया गया। ईडी ने छठा नोटिस जारी करके उन्हें 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है जबकि 19 फरवरी को बजट सत्र होगा, सोमवार का दिन है और ऐसे में उनकी व्यस्तता सदन के अंदर होगी। तो क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे या एक बार फिर से लिखित में ईडी को जवाब भेजेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी जिस तरीके से कोर्ट में गई है और कोर्ट में अर्जी दे करके अपनी बात को उसने रखा है, उसके बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ और नोटिस पर आज जिस तरीके से उन्हें पेश होना था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और उन्होंने अपनी बात को भी रखते हुए कहा कि किस वजह से वो पेश नहीं हो रहे हैं और ऐसे में जो उनका छठा नोटिस है उसमें किस तरीके का जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बार बार ईडी यही आरोप लगाती है कि वो पेश नहीं होते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो छठे नोटिस पर भी क्या वो पेश होंगे या फिर लिखित में ही जवाब देंगे और जिस तरीके से वो पहले सवाल खड़े। तो एक बार मुड़ तो दस दिए कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कोर्ट के पेशी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू अदालत के उन्होंने पेश होए ने। ईडी की पटीशन से सुनवाई हुई 16 मार्च को मुड़ अदालत के अगली सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई के दौरान पेश होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
तो शराब घोटाले के नाल जुड़िया होया पूरा मसला है। ईडी दे वल्लों जिहड़े समन ने कई बार भेजे गए सी ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नू, पर हालांकि पेश नहीं होए सी। अक्सर जड़े ने इल्जाम केजरीवाल बीजेपी दे लगाउंदे रहे ने कि जान बुझ के उन्होंने फसाउण की कोशिश की जा रही है, ईडी नू कोई सबूत तो मिलता नहीं, पर फिर भी समन भेजे गए ने। इथों तक कि जड़े समन भेजे जा रहे ने गैर कानूनी ने, ये भी अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कहा गया सी। आम आदमी पार्टी के और वड्डे लीडर जिहड़े ने इस पूरे मसले दे विच जिहड़े जेल दे विच पहला ही बंद ने, तां ईडी दे वल्लों बार बार समन जिहड़े ने ओह भेजे जा रहे ने, पुछगिछ दे लई बुलाया जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल दे वल्लों ये इल्जाम जरूर लगाया जाता है कि केंद्र दे उपर की एजेंसियां उन्हां दे इशारे दे उपर काम करदियां ने, फसाउण दी कोशिश हो रही है अते उन्हां दा जो शराब घोटाला उस नाल कोई भी लैणा देणा नहीं है। ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार मुड़ तो दस दिए कि राउस एवेन्यू कोर्ट के पेश होए ने, ईडी की पटीशन से सुनवाई हुई सी 16 मार्च को, मुड़ तो अदालत के अगली सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। तो इस तो पहला भी 18 जनवरी, 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी नू दस दिए कि ईडी के सामने पेश होने दे जिहड़े हुक्म होए सी समन भेजे गए सी, पर अरविंद केजरीवाल दे वल्लों इनकार कर दिता गया, इल्जाम लगाया गया कि जिहड़े समन भेजे जा रहे ने वह गैर कानूनी है और जो एजेंसियां ने वह बीजेपी के इशारे ते काम कर रही ने, क्योंकि सरकार बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी तो डरी हुई है, काम करना नहीं देना चाहते केंद्र सरकार, तो जान बुझ के उन्होंने फसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हों की गिरफ्तारी करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्होंने जेल के भेजा जा सके। जो लोग हितों के लिए काम आम आदमी पार्टी के वालों किया जा रहा है वह ना हो सके। तो एक्साइज पॉलिसी मामले के नाल जुड़िया होया है पूरा मसला है, तो ईडी के वालों बार बार जो है पुछगिछ के लिए जरूर अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाता, हालांकि पेश नहीं होंगे। ता इस पूरे मसले से कोर्ट के पेशी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, राउस एवेन्यू अदालत के अरविंद केजरीवाल पेश होए, ईडी की पटीशन से सुनवाई हुई सी 16 मार्च को, मुड़ कोर्ट के अगली सुनवाई जड़ी है इस मसले से होनी है। अगली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, तो उन्होंने वकील की की दलील रही है वह भी असं तुहानू सुनाया सी कि बार बार यही जोड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि जान बुझ के किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वधिया काम कर रही है दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, जोड़े वधिया काम किए जा रहे हैं केंद्र सरकार रोकना चाहती है, इसलिए बार बार जोड़े समन भेजे जा रहे हैं। तो अक्सर आम आदमी पार्टी के वालों भी इल्जाम जरूर केंद्र के उपर लगाया जाता है कि फसाने की कोशिश हो रही है, जान बुझ के झूठे परचे पाने की कोशिश की जा रही है, झूठे गवाह जड़े ने वो तैयार किए जा रहे हैं और समन भेजन का तो कोई मतलब ही नहीं, यानी कि समन जड़े ने वो गैर कानूनी ने। अरविंद केजरीवाल के वल्लों पहला भी यह गल कही गई सी कि उन्होंने जो लीगल टीम है उन्होंने दसिया कि यह समन जड़े ने वो गैर कानूनी है, तो जान बुझ के केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के वल्लों उन्होंने फसाउण दे लई सारा जाल जड़ा है बुनिया जा रहा है। तो ईडी के वल्लों पहला भी कई बार जड़े समन भेजे गए सी, पुछगिछ के लिए बुलाया गया, हालांकि पेश नहीं होंगे। तो इस पूरे मसले से आज कोर्ट के पेशी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, राउस एवेन्यू कोर्ट के अरविंद केजरीवाल पेश होए ने, ईडी की पटीशन से सुनवाई हुई सी 16 मार्च को, मुड़ कोर्ट के अगली सुनवाई होनी है। तो अगली सुनवाई के दौरान पेश होंगे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल।